सारा राज्य में पंचायत निर्वाचन को नहीं वर्तमान राजनीति उष्म रही बेले गंजाम जिला कथा जदि कह गंजाम जिले में चाषी मान समस्या वर्तमान उग्र रूप देखाई जो मैंने जो जवाब बात्या गत बात्या आसला और बात्यार क्षयति होता गंजाम जिलार अधिकांश कृषक मैंने हताश हो पड़ते जो हताश कृषक मैंने जो धान अमल करते धान बर्तमान मंडी में सुलभ दर में बिक्री हो पारे यह पंचायत निर्वाचन समय रे वर्तमान चाषी एक प्रमुख समस्या जहाँ को नहीं गंजाम जिला बेगुनियापड़ा ब्लक्र कि चाषी मुंडुला चंदनपुर अंचल अनेक चाषी आज ब्लक सम्मुख को आ स्थानीय गोष्ठी उन्नयन अधिकारी एवं जोगाण विभाग को मध्य निवेदन करछंती धान किभली भावे सुरखुरी मंडी माध्यम रे विक्रय करा जाय परबो कौन रही असंतोष कौन रही प्रतिवाद से सीधा सड़क आलोचना करवा आपण को स्वागत कर कौन आपणकर समस्या रही आमर समस्या जदि क्षयति है धान आमर धान निदी क्षयति आम क्षयति दि आम तो आर आई गले तहसिल गले मैडम गले सरपंच गले आम धान देखलु बिल को लेकर का तो मटी ही अच्छी आज सुधा तीन मसला दीर्घ गलु हेल्ले सीधा शुणिले तापर तहसिल घर पकलु कुतला सीटा भी शुणिले एबे धान कौन कौन आम नबू 80 किलो हेल्ले नबू नान नबुनु क्षयति दौना कि आम धान उठाऊना जदि क्षयति होनी धान आमर नि जदि क्षयति होम क्षयति दाबी दि क्षयति सरकार जिते घोषणा करते क्षयति किसी चाषी क्षयति जो होती किसी क्षतिपूरण बाबद किसी अर्थ पाई किसी पाइनु आम से आपत्ति करमर किए गुआर शुणाऊ ना आमर ए दुख किए बुझाऊ ना आम पैसा ताके गाड़ी चलाउनी आम पैसा ड्रेस चलाउनी देश आम एलु मेरुदंडा आमर पिटी फाटी जा हाड़ भागी जा आम जहाँ काद मटी जहाँ कष्ट बचीचु आम अस्वस्थ हो आम बहुत दुख कष्ट चली पार्चु बहुत कांदुचु चाषी आम दुख कौन बुझा कौन लोक को सरकार ना को आम को किए सा किए नौ ना आम एथ पछे आज पड़चु आम दुख किए शुणा को कौन लोक किए सा आउ जे कृषक रही कौन रही दाबी तुम्हें बुझा आपण का ना सुधाकर नाहक सुधाकर नाहक पिता ना बांछा देवी नाहक कौन पाई आज ब्लॉक को आसते आप धान नए सत्ते आसलु आम धान हूँ ये आम जी धान गवर्नमेंट क्षयति है मना कला तेल धान आम कहीं उठुनि जदि क्षयतिर जी धान जी न उठू क्षयतिर खराब धान क्षयतिर पूरण कहीं दौना जदि धान न उठे आगामी निर्वाचन में आम भोट बर्जन करूँ मो नाम मनोज कुमार साहू मर्दमेक पंचायत बेगुरीपड़ा ब्लक कौन असुविधा रही आमर डिसेम्बर 29 तारीख ठू टोकन बाहर टोकन रैलीडी हूँ 30 दिन धान बिक्री धान बिक्री कितु आज पर्यंत गोटे के जी टे धान कौन चाषी बेगुनियापड़ा ब्लक्रु उठी ना कहीं मिलर मनमुखी शासन आउ सेक्रेटरी और सब अफिसर मैंने मिसिकी सीओसओ एआरसीओसओ ताके कौ चाषी मान को आई कौन 80 के जी धान दिंतु ना तुम धान खराब अच्छी उठे कितु आमर तहसिलदार मैडम कही क्षयति आमर होता बर्षार भिजिजी धान ना तुम धान भल अच्छी मिलर मान को कहुई सब धान उठे कलर आमर भल अच्छी धान कौन खराब ना कि मिलर कौन 80 के जी दे ने बर्तमान जो एडीएम आसते आप कौन दाबी रखिले एडीएम सार कहल आम आज पर्यटन धान उठी आउ 29 तारीख टोकन बाहर 20 दिन हो गला कहल मुझे बुझिकी कौच अफिसर को फोन लगे कौन जाइए कि मिलर आउ अफिसर आसिक बसी जाऊी मान क्या डकाउ ना ताकि बसिक विचार कर उपर अफिश को जड़े दूसरे हाँ आम जाइलु कल धान उठ एबे वर्तमान 20 दिन है यही प्रकार चाषी मानू कौन काली उठी काली उठी भितर का डेकी दौर हाँ धान उठी गला प्रशांत कुमार महांती कृषिपिला रोहित महासभा बेगुनियापड़ा ब्लॉक कौन अभियोग रही है आज अभियोग यही जे आमर आज को 20 दिन है टोकन बाहर आम ब्लॉक रु एबे गोटे भी के जी धान उठा जा पारिना तहसिलदार को बारंबार कम्प्लेन दे तहसिलदार कहते हैं काली मिलर सहित कथु सोसाइट सहित कथु ये सब देकर आम घोड़ा दूसरी बर्तमान पर्यटन आमर 1 के जी भी धान उठा जा पारे
ସେଟା ରହୁଛି ମିଲର ମାନେ ଆମକୁ ସୋସାଇଟି କହୁଛି ଆମକୁ 80 KG ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଆମର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଦେଲେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି କିଛି କ୍ଷୟ ହେଇନି। ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ତାହେଲେ ତ ଆମର ସବୁ ଧାନ ଉଠିବା କଥା ନା। ତ ମିଲର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାନ ଖରାପ, ଆମେ 80 KG ଦେଲେ ହିଁ ଉଠେଇବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଟର୍, ଆସିଥିଲେ ଏଡ଼ିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଏମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ, ଆମ ଅଭିଯୋଗ କହିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି। ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏଡ଼ିଏମ୍ ମହୋଦୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କାହିଁକି ମିଲର୍ମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଜି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ର ଯେତେ ବି ଆମର ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ, ତା'ର ଆମର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ୟାଡ଼ି ପେପର୍ ମ୍ୟାଟର ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି, ତା ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର କରିଛୁ। ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଆଜି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକି ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ମୋତେ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝିବି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଟୋକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସୀମା ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଲାଭ ସେ ମୋ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେମିତି କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଲାଭ ସେ ଆପି ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପାଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀମାନେ 15-20 ଦିନ ହେଲା ଟୋକେନ୍ ପାଇଲେଣି, ଅପରପକ୍ଷେ ଆଉ 10 ଦିନ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସରିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ନ କରାଯାଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଡାକରା ଦେଲେଣି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।